I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years. So hey guys, मेरा नाम है साकी बोरा, आप देख रहे हो गेम हेवन 007। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेडो फाइट 3 के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। यूं तो शेडो फाइट 3 में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक से बढ़कर एक खतरनाक कैरेक्टर्स, इस वजह से कैरेक्टर्स को रैंक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता कि किस कैरेक्टर को किस पोजीशन पर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पावर लेवल इक्वल है, या ये कह लो कि वो इक्वली पावरफुल है, इस वजह से उनको रैंक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके ऑपोजिट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं कि इसको किस पोजीशन पर रखा जाए, और इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ी, और मेरी इस रिसर्च में मेरी मदद की NSG मालिक ने, जो कि एक शेडो फाइट यूट्यूबर है, जिनके चैनल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तुम वहाँ से जाकर उनके चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर तुमको उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके भी आना। और हाँ, वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने मार्कस, जून और ईटू में से केवल मार्कस को ही कंसिडर किया है, क्योंकि ईटू, मार्कस और जून की पावर सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तीनों के पास अपने अपने शेडो फॉर्म है, इस वजह से इनको रैंक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन मार्कस के पास अपना एक स्पेशल फॉर्म भी है, जो कि है ग्लिच फॉर्म। इस फॉर्म में बेसिकली उसके पास ग्लिचिंग की एबिलिटी होती है, वो ग्लिच करके यहाँ से वहाँ जा सकता है, और ये एबिलिटी उसको फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, और इसी एबिलिटी की वजह से वो E2 और जून से ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर है, उसका नाम है शेडो डिसेंडेंट। ये शेडो फाइट 3 का मेन प्रोटैगनिस्ट है, और आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये शेडो का वारिस है, और इसी वजह से ये फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर अब हम इसके इक्विपमेंट्स की बात करें, मेनली अगर हम इसके वेपन्स और आर्मर्स वगैरह की बात करें, तो इसके पास एक से बढ़कर एक वेपन्स और आर्मर्स है। और शेडो फाइट 3 की स्टोरी के हिसाब से इसको ट्रेनिंग दी है सार्ज और गिज़्मो ने। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शेडो डिसेंडेंट इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों है, यानी कि 10th पोजीशन पर क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि शेडो डिसेंडेंट के पास अपनी कोई स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर है, इनफैक्ट फिजिकली वो शेडो फाइट 3 का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है शेडो के बाद। लेकिन क्योंकि उसके पास अपनी कोई स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से वो लिस्ट में 10th पोजीशन पर आया है। और अब आप सबके मन में ये डाउट भी उठ सकता है कि अगर शेडो डिसेंडेंट के पास कोई स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज़ नहीं है, तो वो शेडो फाइट 3 में इतने सारे कैरेक्टर्स को कैसे डिफीट कर पाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि माना कि शेडो डिसेंडेंट के पास अपनी कोई स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्किल्ड है कि वो कॉम्बैट में बड़े बड़े कैरेक्टर्स को डिफीट कर देता है, और अलग अलग पावरफुल बॉसेस से लड़ने में उसको उसके वेपन्स भी काम आते हैं। और पूरे गेम के दौरान शेडो डिसेंडेंट के इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया जा सकता है, और इसी वजह से अपग्रेडेबल वेपन्स और आर्मर्स उसे फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन अगर वो उसके वेपन्स और आर्मर को यूज़ ना करे, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि वो मारा जाएगा। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने शेडो डिसेंडेंट को हमारी इस लिस्ट में नंबर 10th पोजीशन पर रखा है। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 9th पोजीशन पर है, उसका नाम है योलैंडा। ये लीजन की क्वीन है, और ये हमको देखने को मिलती है चैप्टर 6 हार्ट ऑफ द लीजन और चैप्टर 7 पार्ट 1 फॉरगेट द पास्ट में। अगर अब हम इसके इक्विपमेंट्स की बात करें, तो आर्मर में इसके पास है डिटैचमेंट, मॉडिफाइड। वेपन्स में अगर बात करें तो इसके पास है एक्यूजर्स, रिकलर्ड। रेंज्ड वेपन्स में बात करें तो इसके पास है मैसिव माइंस। और स्पेशल एबिलिटी की बात करें तो इसके पास है डिटैचमेंट की एबिलिटी। और शेडो फाइट 3 की स्टोरी के अकॉर्डिंग ये लीजन की क्वीन है, और ट्विन सिस्टर है मोयरा की।
अगर अब हम इसकी इस स्पेशल एबिलिटी के बारे में बात करें, यानी कि डिटैचमेंट एबिलिटी के बारे में कि आखिर इसमें होता क्या है, तो इस स्पेशल एबिलिटी में होता यह है कि लोलैंडा अपने लिम्स को डिटैच कर सकती है, जिससे उसकी रीच एक्सटेंड हो जाती है। इस एबिलिटी का यूज़ कर वो हमारे प्लेयर को अच्छा खासा डैमेज देती है। इस सब के अलावा उसकी बॉडी में एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल्ड है जिसकी मदद से उसकी हेल्थ रीजनरेट हो जाती है, और लड़ाई के दौरान ये डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्वीन योलैंडा हमारी इस लिस्ट में नंबर 9th पोजीशन पर आ पाई। सो अब जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 8th पोजीशन पर है, उसका नाम है गिज्मो। सो गिज्मो बिलोंग करता है लीजन फैक्शन को, और ये हमको देखने को मिला है चैप्टर 1 लीजन और चैप्टर 7 के पार्ट 1 फॉरगेट द पास्ट में। सो अगर अब हम इसके इक्विपमेंट्स की बात करें, तो आर्मर में इसके पास है बेडरॉक आर्मर और स्टिगमाटा आर्मर, और वेपन्स में इसके पास है बैटल सॉर्ड और लाइट ब्रीम। रही बात इसके स्पेशल एबिलिटी की, तो इसके पास है चार्ज करने की स्पेशल एबिलिटी, ब्रूटल स्ट्रेंथिंग करने की स्पेशल एबिलिटी, शेडो ईटिंग करने की स्पेशल एबिलिटी और ब्रूटल टेकडाउन की स्पेशल एबिलिटी। और गिज्मो की इन सारी एबिलिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है वो है शेडो ईटिंग की एबिलिटी, जिसे शेडो ईटर भी कहा जाता है। बेसिकली इस एबिलिटी में होता यह है कि गिज्मो प्लेयर के शेडो फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो प्लेयर को डैमेज करता है और खुद ही शेडो फॉर्म में आ जाता है। और इसी स्पेशल पावर की वजह से गिज्मो हमारी इस लिस्ट में नंबर 8th पोजीशन पर अपनी जगह बना पाया। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 7th पोजीशन पर है, उसका नाम है लिंग। सो लिंग एक ब्लैकस्मिथ है और शेडोफाइट 3 का वो कैरेक्टर है जिससे हम मिलते हैं चैप्टर 2 में। और पहले तो था ये डायनेस्टी फैक्शन में और अब है इनसब्सेप्टिबल फैक्शन में। फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमको देखने को मिलता है चैप्टर 2 डायनेस्टी में और चैप्टर 4 कॉन्सिक्वेंसेस में। और अगर अब हम इसके इक्विपमेंट्स की बात करें, तो आर्मर में इसके पास है हेराल्ड्स रायमेंट, वेपन में इसके पास है शेडो स्लेयर, रेंज्ड वेपन में इसके पास है ग्लेशिया हार्पून। रही बात इसके स्पेशल एबिलिटीज़ की, तो इसके पास है शेडो पोशन और फ्लाइंग कटाना की एबिलिटी। अगर अब हम इसकी स्पेशल एबिलिटीज़ को अच्छे से समझें, तो बेसिकली शेडो पोशन एबिलिटी में होता यह है कि जब वो पोशन को ड्रिंक करता है तो इंस्टेंटली उसका शेडो बार फिल हो जाता है, जिससे वो तुरंत शेडो फॉर्म में आ जाता है। और कभी कभी तो लिंग इस पोशन को हमारे प्लेयर के ऊपर थूकता भी है, जिससे हमारे प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। और रही बात फ्लाइंग कटाना वाले एबिलिटी की, तो बेसिकली इसमें होता यह है कि लिंग बैकवर्ड्स लिप्स करता है और उसकी कटाना को हमारे प्लेयर की तरफ किक कर फेंकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने लिंग को हमारी इस लिस्ट में नंबर 7th पोजीशन पर रखा है। सो अब जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 6th पोजीशन पर है, उसका नाम है मार्कस। सो मार्कस शेडोफाइट 3 के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक है। बहुत समय पहले वो जनरल था लीजन फोर्ट्रेस का, और वो हमको सबसे पहले दिखा था शेडोफाइट 3 के चैप्टर 3 में। और मार्कस बिलोंग करता है लीजन फैक्शन को, और फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हमको ये देखने को मिला था चैप्टर 3 हेराल्ड्स में, इसके बाद ये हमको देखने को मिलता है चैप्टर 4 कॉन्सिक्वेंसेस में, इसके बाद ये हमको देखने को मिलता है चैप्टर 5 शेडो आइलैंड में, और इसके बाद ये हमको देखने को मिलता है चैप्टर 6 हार्ट ऑफ द लीजन में। रही बात इसके इक्विपमेंट्स की, तो आर्मर में इसके पास है वेलोर स्माइट, वेपन में इसके पास है ओल्ड टाइमर, और रेंज्ड वेपन्स में इसके पास है गिलेड हैचेस। और अगर अब हम इसके स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में बात करें, तो इसके पास है शेडो रिफ्ट जो कि आती है शेडो फॉर्म में, और ग्लिचिंग करने की एबिलिटी जो कि आती है ग्लिच्ड फॉर्म में। मार्कस का जो ये ग्लिच फॉर्म है, इसमें बेसिकली होता ये है कि फाइट के दौरान वो ग्लिच करता है, जिसके वजह से वो सडनली व्रैप करता है प्लेयर के पास और तुरंत उसके ऊपर अटैक देता है, और ये एबिलिटी उसे फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और रही बात शेडो फॉर्म की, तो उसमें बेसिकली होता यह है कि उसकी पूरी बॉडी से शेडो एनर्जी फ्लो करने लगती है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी कैरेक्टर को बड़े आसानी से डिफीट कर सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने मार्कस को हमारी इस लिस्ट में नंबर 6th पोजीशन पर रखा है। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 5th पोजीशन पर है, उसका नाम है मोयरा। सो मोयरा ट्विन लीजन प्रिंसेसेस में से एक प्रिंसेसेस है। ये यंगर सिस्टर है योलैंडा की और बिलोंग करती है लीजन फैक्शन को। और फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो ये हमको देखने को मिलती है चैप्टर 5 शेडो आइलैंड, चैप्टर 6 हार्ट ऑफ द लीजन, चैप्टर 7 पार्ट 1 फॉरगेट द पास्ट, चैप्टर 7 पार्ट 2 बीहोल्ड द फ्यूचर, और ट्रांसफॉर्मेशन जून्स प्लेन में भी।
रही बात इसके इक्विपमेंट्स की, तो इसके सारे इक्विपमेंट्स इसके फ्यूचर सेल्फ के हैं। जैसे कि आर्मर में है डिवाइन रिट्रीब्यूशन, वेपन में है आर्बिट्रेटर और रेंज्ड वेपन्स में है मर्सी। इसके साथ साथ इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जैसे कि एबडिकेटर, जजमेंट पावर और मर्सीलेस स्ट्राइक। और इसकी इन सारी एबिलिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है वो है एबडिकेटर की एबिलिटी। इस एबिलिटी में बेसिकली होता यह है कि 10 सेकंड के लिए मोयरा इनविंसिबिलिटी की स्टेट में पहुंच जाती है और उसका हर एक अटैक इस टाइम पीरियड में डबल डैमेज देता है। और इन्हीं सब एबिलिटीज़ की वजह से मोयरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। इसके अलावा मोयरा के पास एक ऐसी सीक्रेट एबिलिटी भी है जिसका नाम अभी तक पता नहीं चला है और ना ही गेम डेवलपर्स ने इसके बारे में कुछ बताया है। तो इस एबिलिटी में बेसिकली होता यह है कि मोयरा के पास जो पावर है उसके दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसे प्रोजेक्ट करने की, इसकी वजह से बहुत सारी क्रीपी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि अगर उसके दिमाग में उसको कुछ भी नाइटमेयर आता है तो वो एक रियल लिविंग बींग में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ उसके पास माइंड प्रोजेक्शन की भी एबिलिटी है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने मोयरा को हमारी इस लिस्ट में नंबर 5th पोजीशन पर रखा है। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन पर है उसका नाम है एम्परर। सो एम्परर फादर है जून का और रूलर है डायनेस्टी का, और इसी वजह से ये बिलोंग करता है डायनेस्टी फैक्शन को। और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले ये हमको दिखा था चैप्टर 3 हेराल्ड्स में और चैप्टर 4 हार्ट ऑफ द लीजन में। रही बात इसके इक्विपमेंट्स की, तो आर्मर में इसके पास है डीमन वार्ड्स और नॉर्दर्न लाइट्स। वेपन में इसके पास है ड्रैगन्स रॉर और रेंज्ड वेपन्स में इसके पास है लोटस पीटल्स। और अगर अब हम इसकी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसके पास है शेडो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी। इस एबिलिटी की मदद से वो कभी भी शेडो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और आपने ये देखा होगा कि शेडो फाइट 3 में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने अपने शेडो फॉर्म में आते हैं, लेकिन कोई भी एम्परर जैसे शेडो फॉर्म में नहीं आ पाता क्योंकि एम्परर पूरी तरह से एक शेडो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इस शेडो मॉन्स्टर के बड़े बड़े नाखून होते हैं उसके हाथों में और वो अपने हाथों का ही इस्तेमाल करता है हम पर हमला करने के लिए। और इस लिस्ट में एम्परर 4th नंबर पे केवल इसलिए आ पाया है क्योंकि उसका ये जो शेडो मॉन्स्टर वाला फॉर्म है वो किसी के भी शेडो फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है। और एम्परर शेडो मॉन्स्टर बनने के बाद इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने एम्परर को हमारी इस लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन पर रखा है। सो अब बारी आ चुकी है हमारी इस लिस्ट के टॉप 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने की। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 3rd पोजीशन पर है उसका नाम है बोलो। सो बोलो 3rd एरो है, अनकॉमनली नोन एज द एरो ऑफ नॉलेज। और बोलो एक टाइम ट्रैवलर भी है, वो बहुत बार टाइम ट्रैवल कर चुका है। सो बोलो बिलोंग करता है हेराल्ड्स फैक्शन को। और फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले वो हमको देखने को मिला था चैप्टर 3 हेराल्ड्स में, जिसके बाद वो हमको देखने को मिला चैप्टर 4 हार्ट ऑफ द लीजन, चैप्टर 6 पार्ट 1 फॉरगेट द पास्ट, चैप्टर 6 पार्ट 2 बिहोल्ड द फ्यूचर और चैप्टर 7 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जून्स प्लेन में। और रही बात इक्विपमेंट्स की, तो आर्मर में उसके पास है ABL-12 परफेक्ट रोब और स्केकेडिक मास्किंग। वेपन में उसके पास है शेडो पीएसर और ग्लिडेड स्टाफ। रेंज्ड वेपन्स में उसके पास है स्टील ड्रैगन फाइल्स, ड्रैगन चक्राम्स और सुपरनोवा। और अगर अब हम उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसके पास है पोर्टल ट्रैप, एनहांस रिफ्लेक्सेस और क्यूबॉइड ऑफ टाइम। और साथ ही साथ उसके पास क्लोनिंग करने की भी एबिलिटी है, यानी वो अपने बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। बोलो को यूँ तो सारे फाइटिंग स्टाइल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हेराल्ड्स फाइटिंग स्टाइल में फ़ाइट करता है और उसका जो क्लोन है वो भी हेराल्ड्स फाइटिंग स्टाइल में ही फ़ाइट करता है। बोलो के पास ये जो एबिलिटी है पोर्टल ट्रैप की, इसकी मदद से वो हमारे प्लेयर को शेडो पोर्टल के अंदर कैद कर देता है, जिससे फिर होता ये है कि हमारा प्लेयर हिल डुल नहीं पाता और बोलो को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारे प्लेयर पर अटैक करने की। इसके अलावा उसकी बाकी की एबिलिटीज से वो टाइम को रिवर्स करके अपनी हेल्थ को रीजनरेट कर सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने बोलो को हमारी इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर रखा है। सो जो कैरेक्टर हमारी इस लिस्ट में नंबर 2nd पोजीशन पर है उसका नाम है शेडो। सो शेडो शेडो फाइट 2 का मेन प्रोटैगनिस्ट है और शेडो फाइट 3 का मेन एंटागोनिस्ट है। पहले तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, सभी लोग उसको अपने हीरो की तरह देखा करते थे,
लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया जब उसने डायनेस्टी और हेराल्ड्स के डोम पर अटैक किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। और ये सब शेडो ने अपने एम को कंप्लीट करने के लिए किया, और उसका एम है एक नई दुनिया को बनाना, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मैं जिंदा हो और उसके साथ रह सके। और अगर अब हम फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो हमको सबसे पहले देखने को मिला था चैप्टर 6 पार्ट 2 बीहोल्ड द फ्यूचर में। रही बात शेडो के इक्विपमेंट्स की, तो एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि शेडो कोई भी इक्विपमेंट्स को कैरी नहीं करता है, यानी कि ना ही वो हेलमेट पहनता है, ना ही आर्मर पहनता है, ना ही कोई वेपन कैरी करता है। वो अपने हाथों से ही लड़ता है और अपने हाथों से ही अपने ओपोनेंट को डिफीट करता है। इस सब के अलावा उसके पास एक बहुत बड़ा सा रोबोट है जिसके अंदर बैठकर वो अपने ओपोनेंट से फाइट करता है। शेडो फाइट 2 में और शेडो फाइट 3 में ये कहा गया है कि शेडो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदमी है। असल में शेडो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी शक्तियों को मापा नहीं जा सकता। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि शेडो ने बहुत सारे शेडो बीस्ट्स को हराया है। उसकी सिर्फ पावर ही अच्छी नहीं है, इसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। उसकी नॉलेज का एग्जाम्पल इसी बात से आ जाता है कि उसने ऐसे डिफेंडर बोर्ड्स बनाए थे जो कि मास्टर ओकाडा के शेडो बोर्ड्स से भी ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी एट द एंड वो केवल एक ह्यूमन ही है, उसे मारा जा सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने शेडो को हमारी इस लिस्ट में नंबर 2nd पोजीशन पर रखा है। सो अब जो कैरेक्टर नंबर 1 पोजीशन पर है और जो कैरेक्टर शेडो फाइट 3 का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, वो है शेडो माइंड। सो शेडो माइंड एक एंटिटी है और कोर है सारे शेडो एनर्जीज का, और वो मालिक है एक इनकम्प्रेंसिबल फोर्स का। इसके अलावा अगर अब हम उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसके पास है इन्फिनाइट पावर, प्लाम ब्लास्ट, ब्रूटैलिटी, अपरकट। और शेडो माइंड शेडो एनर्जीज को कमांड दे सकता है, जिसकी मदद से शेडो एनर्जीज उसके विल के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगी, जिससे फिर वो कहीं पर भी सुन सकता है, कहीं पर भी देख सकता है जहाँ जहाँ शेडो एनर्जी मौजूद है, और वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर जा सकता है। और उसके पास है शेप शिफ्टिंग और शेडो बीस्ट समनिंग की एबिलिटी। इसके साथ साथ वो किसी के भी साथ फ्यूज हो सकता है, जिससे फिर उस पर्सन की और शेडो माइंड की पावर्स कंबाइन हो जाती है। इस सब चीज़ों से हटकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शेडो माइंड एक्सीलेटर कोर के अंदर था तब उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी कि वो वर्ल्ड को वापस से क्रिएट कर सकता है। इसी से तुम्हें शेडो माइंड की पावर का अंदाज़ा आ गया होगा कि शेडो माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से शेडो माइंड शेडो फाइट 3 का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने शेडो माइंड को हमारी इस लिस्ट में नंबर 1st पोजीशन पर रखा है। सो बस गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप क्या सोचते हो, कौन से कैरेक्टर्स को भी मैंने इस लिस्ट में लेना चाहिए था, मुझे अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो और मेरे साथ चैटें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ जाकर फॉलो करो। वहाँ पर मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ चैटिंग करता हूँ। सो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।